हज़रात अस्सलामुअलैकुम। कल रात यहाँ सख्त सर्दी थी, तेज़ हवाएं चल रही थीं, दर्जा हरारत -3°C था। महकमे मौसमियात के मुताबिक यहाँ बरतानिया में डार्सी नामी एक तूफ़ान की आमद आमद थी। हवा में नमी थी और लगता था कि ये सर्द हवाएं हड्डियों को जमा देंगी। सुबह सवेरे बर्फ़बारी का आगाज़ हुआ तो सर्दी से बचाव के लिए मैंने कुछ पौधों को एक प्लास्टिक के शेड में मुंतकिल कर दिया। घर से बाहर जाने के लिए मैंने जैकेट, टोपी और गर्म जूते पहने। मैं कोई 5 मिनट से भी कम वक्त के लिए घर से बाहर था, मगर सर्दी थी कि बस इसका तसव्वुर नहीं कर सकते। मैं वापस घर में आया और मैं हीटर के पास बैठ गया और देर तक ठिठरता रहा। खातिन हजरात, कल रात वहाँ भी सख्त सर्दी थी, हवाएं इतनी तेज़ थीं कि इनमें पहले आपकी जल्द सर्द और सुर्ख हो जाती है, फिर इसमें बेहसी आती है, ये सख्त और पीली होकर नागारा हो जाती है और हड्डियाँ अपने होने का मकसद खो बैठती हैं। वहाँ दर्जा हरारत -40°C और 50°C के दरमियान होता है। सतह समंदर से 8,000 मीटर की बुलंदी पर, जहाँ एक अजीम पहाड़ का कंधा है, या शायद बोतल की गर्दन वाला वो हिस्सा जिसे बॉटल नेक कहते हैं, या शायद उससे नीचे कैंप 3 के आसपास जिसे ब्लैक पिरामिड फीचर कहा जाता है, वो कतलगाह फितरत है जो खुद में कहलाता ही किलर माउंटेन है। हर कोहपेमा का ख्वाब इस कातिल पहाड़ की चोटी पर अपना कदम रखना होता है, और ये वो जुनून है जिसे समझने के लिए इस पहाड़ को समझना ज़रूरी है। K2 वो अजीम चोटी के जिस पर पिछले 4 रोज से 3 कोहपेमा कहीं खो गए हैं, उसके बारे में कुछ बात करते हैं। पहाड़ों के बारे में इल्म रखने वाले कहते हैं, खुद ना थको बल्कि पहाड़ों को थकाओ। जब कोहपेमा 8,000 फुट की बुलंदी पर होता है तो शायद एक वक्त ऐसा आता है जब वो थक भी जाता है और भटक भी सकता है, क्योंकि ये डेथ जोन है, ये एक फितरत की कतलगाह है जहाँ सांस लेना मुश्किल हो जाता है, जहाँ आपका जहन काम नहीं करता, जहाँ आपका जिस्म सुन हो जाता है और आपके हर कदम को आप बाज़ दफ़ा बहुत एहतियात से उठाते हैं, लेकिन गलत उठाया गया कदम आपको ज़िंदगी से बहुत दूर ले जाता है। जिन गुमशुदा कोहपेमाओं की हम बात कर रहे हैं, वो आम कोहपेमा नहीं थे। इन कोहपेमाओं की टीम को लीड करने वाला कोहपेमा मोहम्मद अली सतपारा एक ऐसा कोहपेमा था कि जिसने इससे पहले भी बहुत से एक्सपेडिशंस में बहुत से कोहपेमाओं को लीड किया, और वो इन पहाड़ों से बखूबी वाकिफ़, और न सिर्फ इन पहाड़ों से बल्कि इस पूरे इलाके से बखूबी वाकिफ़ है, क्योंकि वो इसी मिट्टी का बेटा है। मोहम्मद अली सतपारा की टीम मुमकिन है मौजाती तौर पर कहीं से नमूदार हो जाए, और हमारी दुआएं इन कोहपेमाओं के साथ हैं, मगर K2 को समझने के लिए इसका मौसम समझना ज़रूरी है। इसके लिए मैंने पाकिस्तान में एक माहिर मौसमियात डॉक्टर शहजादा अदनान से राबता किया, और इनका कहना था। हाँ जी, थैंक यू सो मच राजा साहब। एक्चुअली ये जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज हैं, जिसमें आपके गिलगित बल्तिस्तान के एरियाज है और अपर खैबर पख्तूनख्वा वगैरह के जो एरियाज हैं, यहाँ पर ये देखने में आया पिछले 30 सालों में जो है टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा अब्रप्टली चेंज आया, और जिसकी वजह से वहाँ पर अब वेदर जो है बड़ा अनइवन हो गया। स्पेशली आपको पता है यहाँ पर वैलीज भी हैं, हाई माउंटेन रेंजेज हैं हिमालयाज वगैरह के, तो यहाँ का वेदर एक तो शुरू से ही बड़ा अनप्रिडिक्टेबल था, लेकिन अब रिसेंट जो 30 ईयर्स में क्या हुआ है कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से एक तो ग्लेशियर मेल्टिंग का फिनमना बढ़ा वहाँ जो है, बड़ा उसमें एक एग्रेशन आया है, एवलॉन्चिंग बड़ी फ्रिक्वेंट हुई है। फिर इन माउंटेन्स के ऊपर जो है हम के स्पेशली जो विंटर्स की अगर हम बात करें, तो वेस्टर्ली सिस्टम जो है, जो हमारे वेस्ट मेडिटेरेनियन सी से जो ओरिजिनेट होते हैं और ये विंटर में स्नोफॉल करते हैं, उसकी इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और उसकी इंटेंसिटी बढ़ने की वजह से विंटर्स में जो ये टॉप ऑफ द माउंटेन्स है, क्योंकि ये नॉर्मली आप देखेंगे ये जो माउंटेन्स हैं इनकी जो हाइट है वो 7 to 8 किलोमीटर यानी 7,000 मीटर से 8,000 मीटर के करीब है, जिनमें K2 भी शामिल है,
सेकंड हाईएस्ट पीक। तो जब वेदर जो है वो ऑलमोस्ट आप लगाएं जो चेंज आता है वेदर में, अगर हम इसको बेस से माउंटेन की टॉप तक ले जाएं, तो वो 6.5 डिग्री पर किलोमीटर चेंज है। 6.5 यानी अगर आपका ग्राउंड के ऊपर टेम्परेचर 0 डिग्री है तो 8 किलोमीटर के बाद वो टेम्परेचर जो है वो -52 डिग्री सेल्सियस के करीब टेम्परेचर होगा। तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अब्रप्टली चेंज होगा। खद नजरत मुझे बल्तिस्तान से एक मकामी सहाफ़ी इरफान मेहंदी ने वहाँ का अहवाल कुछ इन अल्फाज में बयान किया। जी, इरफान मेहंदी और मेरा ताल्लुक़ खपलू गिलगित बल्तिस्तान से है। मोहम्मद अली सपारा साहब और उनकी टीम जो केटू के मुहिम जुई पर मौजूद थे, तो उनका लेटेस्ट डेवलपमेंट और थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में, ताकि फिर लेटेस्ट डेवलपमेंट के हवाले से आप लोगों को आगाह करूँगा। तो मोहम्मद अली सपारा का ताल्लुक स्कर्दू के नवाही इलाके सतपर से है। स्कर्दू में पले बड़े हैं ये, पहले फुटबॉल खिलाड़ी थे, फिर मुहिम जोई का उन्होंने आगाज़ किया और बड़े पीक्स को उन्होंने सर किया, जिसमें गशेप्रम 1, गशेप्रम 2, प्राट पीक और दीगर गैर मुल्की जो पहाड़ है वो भी शामिल है। उन्होंने नंगा पर्वत को सदियों में नंगा पर्वत को सर किया था, ये भी एक रिकॉर्ड है। वो अकलौते इंसान है, तो काफ़ी मजबूत इंसान थे और उन्होंने बड़ी फतूहत की हुई थी। तो इस दफ़ा उनका शौक ये था कि सर्दियों में पाकिस्तान का सबसे लाली परचम के टू पर लहराए, एक रिकॉर्ड कायम करना चाहते थे, जो पिछले दिनों नेपाली टीम ने फर्स्ट एवर के टू को सबमिट किया था सर्दियों में। तो मोहम्मद अली सतपारा भी चाहते थे इसी सर्दियों में ही केटू को सबमिट कर लें, और उनको उनके बेटे साजिद सतपारा के साथ पूरी टीम को लेकर वो रवाना हुए थे। 2-3 बार उनको वापस भी आना पड़ा, लेकिन ये उनकी अटेम्प्ट थी, जिसमें उनके साथ 22 मेंबर्स थे जो कैंप पर पहुँचे तक उनकी 4 मेंबर्स ऊपर की तरफ गए थे, यानी नेक बोटल तक साजिद भी उनके साथ था 8,200 मीटर के ऊपर। फिर साजिद को अगर ने जो कॉन्फ्रेंस प्रेस स्कर्दू में की है, उनके बकुल स्कर्दू वो ऑक्सीजन का उनको इशू आया और वो यूँ उनको लौटना पड़ा। आखिरी जो उनसे राबिता हुआ था, तो उन्होंने साजिद ने आखिरी बार जो उनको देखा है नेक बोटल क्रॉस करते हुए देखा है, उधर से आगे थोड़ा ही रहता है, तो जो मुश्किल जगह हैं वो उन्होंने यही एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि हसन पारा साहब ने केटू को सर कर लिया था। एनी हाउ, वो एक अलग डिबेट है वायरल। अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट उस हवाले से जो साजिद यही बता रहे थे कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़े अनफॉर्चुनेट, वो थोड़ा सा मायूस दिखाई दे रहे थे, बहरहाल मायूसी कुफर है। और हसन सतपारा साहब का वो थोड़ा स्ट्रांग आदमी है, वहाँ के लोकल्स का यही कहना है कि जिस तरह नेपाली क्लाइंबर 3 दिन केटू पर गुजार कर आए थे, तो हो सकता है ऐसा कुछ मौजूदा हसन सतपारा साहब की तरफ हो। आखिरी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि सर्च ऑपरेशन आर्मी की जानिब से हेलीकॉप्टर्स में जारी है। आज 3रे दिन भी आर्मी के हेलीकॉप्टर्स मुहिम जुई पर है, तो हमारी दुआएं और उनकी टीम के लिए ख़ासतौर पर सतपारा साहब के हवाले से एक कवि उम्मीद है कि वो बहुत स्ट्रांग इंसान है। उन्होंने खुद कहा था कि 2-3 दिन अगर पहाड़ों के बीच में खो जाऊं तो वहाँ पे रहकर मैं ज़िंदगी बसर कर सकता हूँ, इतनी हिम्मत है। तो इंशाल्लाह यही उम्मीद की जा सकती है कि सतपारा साहब सुरखरू होकर वापस आएंगे। मोहम्मद अली सतपारा का बेटा साजिद अली सतपारा, जो खुद एक रिकॉर्ड होल्डर और मंझा हुआ कोपेमा है और इस मुहिम में अपने वालिद के साथ था, और जिसे चंद वजूहात की बिना पर 8,000 फुट से नीचे आना पड़ा, इस मुहिम के बारे में ये कहता है। हम इस साल के टू विंटर एक्सपीडिशन 2020-21 में थे और हम 5-10 दिसंबर को इधर से निकले थे और 5-10-12 दिसंबर को केटू बेस कैंप पहुँचे थे, और हम 2 पाकिस्तानी थे, वालिद अली सतपारा और मैं, जो इस साल केटू की मुहिम जो पर थे। और बदकिस्मती से हम ट्राई कर रहे थे, हमारा फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट था केटू क्लाइम करने का, और अभी हम जो समेट पूछ 5 फरवरी को हमने नाइट को स्टार्ट किया था, कोई 11-12 बजे नाइट को, तो मैं बोतलनेक पे, मैं वालिद
जॉन स्नोरी और दूसरा एक चिली का एक हाँ पाब्लो, चार क्लाइंबर्स थे और बाकी जो सारे शर्पास और यूरोपियंस थे वो भी नीचे आ रहे थे। बदकिस्मती से मैं विदाउट ऑक्सीजन था और 8200 पे पहुँच कर मुझे एहसास हुआ कि इस ऑक्सीजन की कमी की वजह से मेरी सेहत मुतासर हो रही है और मेरा कोई मेंटल वो भी सही नहीं था। इसलिए वालिद ने कहा कि मैंने वो एक ऑक्सीजन कैरी किया था मेम्बर के लिए, उसको यूज़ करो आप। लेकिन मैं उसको यूज़ करने के लिए वो ऑक्सीजन का जो मास रेगुलेटर है उसको फिट कर रहा था कि वो लीक हो गया और मैं नीचे आ गया। बदकिस्मती से मेंटल इतना वो सही नहीं था तो आखिरी बार मैंने उनको बोतलनेक पे चढ़ते हुए देखा 8200-300 मीटर पे। और मैं कोई 12 बजे के करीब बोतलनेक से वापस आ रहा था और मैं शाम को 5:00 पर केम्प्टी पे पहुंचा हूँ और वॉकी टाकी पे कांटेक्ट किया कि मैं इधर पहुंचा हूँ बेस कैंप पे और वालिद और जो दूसरी टीम है वो समिट के लिए जा रही है और उनके पास कोई वॉकी टाकी का वो नहीं था, वॉकी टाकी नहीं था और उसके साथ कांटेक्ट नहीं हो गया। बाद में वो शाम को मैंने कहा कि वो वापस आएंगे उधर समेट करके तो मैं उनको पानी छानी बना के रात को इंतज़ार करूँगा और टेंट का लाइट भी जला के रखा कि रोशनी देख के वो नीचे आ जाएंगे। और सुबह फिर वो रात भर जागा बैठा और सुबह फिर मैंने कांटेक्ट किया वो बेस कैंप वालों से कि वो नहीं पहुँचे अभी तक। तो फिर वो दूसरा वो एक बेस कैंप लीडर था, उसने कहा कि वेदर अच्छा नहीं है, आप ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि वेदर अच्छा नहीं है, कंडीशन अच्छा नहीं है क्योंकि आप ऊपर नहीं जा सकते, बेहतर यही है कि आप थके हुए हैं कि नीचे आ जाओ, हम इधर से रेस्क्यू मिशन स्टार्ट करेंगे। बदकिस्मती से वो अगले दिन भी नहीं पहुंचे और उनका कोई कांटेक्ट नहीं हो गया। मुझे लगता है कि वो सिमट करके वापसी पे आए हैं नीचे और वो विंड भी था उस नाइट को, उस तरह कुछ पसाइल हो गए उनके साथ। जी, जो पाक आर्मी, जो दूसरे हमारा SPR और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की लोकल गवर्नमेंट है हमारी GB की और पाकिस्तान लेवल की जो गवर्नमेंट है उनका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हर स्टेप पे ताउन किया और 2 दिन से वो आर्मी के हाली रेस्क्यू मिशन में आते रहे और उन्होंने 7000 समथिंग और 8000 के करीब फ्लाई की और बहुत ताउन किया। शुक्रिया, मैं इन सबका शुक्रगुजार हूँ। और क्लाइंबर्स कम्युनिटी, स्पेशली जो आइसलैंड की जो क्लाइंबर्स कम्युनिटी है, जॉन स्नोरी की फैमिली और खां पाब्लो चिली का जो क्लाइंबर्स था, उनका भी बहुत इंतहाई शुक्रगुजार है कि उनका भी ताउन लम्हा बा लम्हा हमारे साथ जारी रहा। थैंक यू वेरी मच। और पूरी कौम का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उनकी दुआएं और उनका ताउन हमारे साथ रहा। ऑपरेशन जारी रहना चाहिए आपका? मेरे ख्याल में ऑपरेशन, अगर बॉडी की सर्चिंग के लिए ऑपरेशन हो तो ठीक है, बाकी उनके जो बचने के जो चांसेस है, अगर 8000 पे विंटर में बंदा 2-3 दिन से पट है तो जिंदा बचने की चांसेस ना होने के बराबर है। बरतानिया में मौजूद जिस्मानी सेहत और माउंटेन ट्रैकिंग को कश्मीरी कम्युनिटी में फ़रोग देने वाली तंजीम क्रैम्बलस के अब्दुल कयूम साहब से जब मैंने इनकी कोपेमाई और बल्ती कोपेमाओं के साथ इनके तजर्बात के बारे में पूछा तो इनका कहना था, मोहम्मद अली सतपारा इंटरनेशनल माउंटेनियरिंग के बीकन थे, दिगर ममालिक से कोपेमा उनकी रहनुमाई में, उनकी लीड में कोपेमाई करना अपने लिए बात फख्र समझते थे। नई आने वाली नस्लों के लिए मोहम्मद अली एक अजीम उस्ताद की शक्ल में थे और उनकी हौसला हिम्मत वो एक बढ़ाने का अजीम जरिया थे। मुझे उनसे बनफ्स नफीस मिलने का इत्तेफाक तो नहीं हुआ लेकिन बारहा उनसे फ़ोन पे बातें हुई, उनके गांव सतपारा भी जाने का इत्तेफाक हुआ लेकिन उस वक्त वो इंटरनेशनल एक्सपीडिशन पे थे। K2 उन पहाड़ों में से है जो इसके स्टार्ट से कि हर 100 कोपेमा जो इस पे क्लाइमिंग पे जाता है 29 उनमें से उसी पहाड़ की दलानों को अपना अब्दी मस्कन बना लेते हैं। मुझे इत्तेफाक हुआ जो बरतानवी मशहूर कोपेमा है एलन हिंग्स, ये वाहिद कोपेमा है बरतानिया का जिसने सबसे पहले दुनिया की 14 हाईएस्ट पीक को सर किया है। उसे जब मैंने सवाल किया कि सब में से मुश्किल पहाड़ी आपको कौन सी लगी तो उनका कहना था K2। एक बार जो माउंटेनियर इस पर जाता है
अगर खैरियत से वापस आ जाता है, दूसरी बार उसका रुख नहीं करता। लेकिन ममद अली सरपारा ने बारहा इसे सर किया और ये विंटर कंडीशन में उनकी ये पहली कोशिश थी। अवर हार्ट फेल्ट सिंपथीज एंड प्रेयर्स आर विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑफ ऑल दिस माउंटेनियर। मिरेकल्स डू हैपन, वी प्रे फॉर द सेफ रिटर्न। खादिन हजरात, ये वो तमाम तासुरात थे और ये वो तमाम अहवाल था जो मैंने आप तक पहुंचाया। अगर फितरत और अल्लाह की ज़ात चाहे तो ऐसे मौजज़ात हो सकते हैं, और हो सकता है कि ये गुमशुदा कोपेवा कहीं ना कहीं से अपना रास्ता ढूंढ के अपने ख़ानदानों को और अपने चाहने वालों को मिल सकें। एक बात जाने से पहले आपको अर्ज़ करना चाहूँगा कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, जबकि केटू की ऊँचाई 8,611। माउंट एवरेस्ट सर करने वाले कहते हैं हमने आसमान को छू लिया, जबकि केटू सर करने वाले ये गुमान रखते हैं कि हमने आसमान को छुआ और फतह कर लिया। जब तक ये जुनून कायम है, लोग मुश्किल तरीन चोटियों को सर करते रहेंगे। वो लोग जो ये कहते हैं कि आप ऐसा काम ही क्यों करते हैं, तो उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि हम सब ज़िंदगी में कुछ इंतखाब करते हैं, और अपने ख्वाब और इंतखाब अगर आप मुकम्मल करना चाहें तो उसके लिए आपको ख़तरात मोल लेने पड़ते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप अपने इन हीरोज़ को सपोर्ट करें बजाय इसके कि आप तनकीद करें। अल्लाह ताला आपको हामी नासिर हो, और उम्मीद करते हैं कि हमारे ये साथी बहुत जल्द अपने घरों को लौट पाएंगे और कामयाबी होगी उन लोगों को जो इनको ढूंढ रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।